बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोर्स फ्री आरसी सर्किट सीरीज़ के सेकंड वीडियो है। इसमें हम दो प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जस्ट टू रिकॉल, हमने ये देखा था कि अगर एक आरसी सर्किट है और इसके साथ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो इसके वजह से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और जब इस सोर्स को हम डिसकनेक्ट कर देंगे तो ये जो सर्किट बचेगा इसको हम कहेंगे सोर्स फ्री सर्किट, और इसमें जो भी करंट फ्लो है वो इस कैपेसिटर के चार्ज की वजह से होगा इसके अंदर। और इस स्विच डिसकनेक्ट करने से पहले जितने वोल्टेज पे कैपेसिटर चार्ज हुआ उसको हम वी जीरो कहते हैं। और अगर हमें एनर्जी मालूम करना तो वो हाफ सी वी जीरो स्क्वायर फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो। और फिर पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो वोल्टेज एट एनी टाइम, इसको हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं वी जीरो जो इनिशियल वोल्टेज है, और ई रेस टू द पावर माइनस टी ओवर टॉ, और टॉ जो है वो टाइम कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि वी जीरो टी या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एक्चुअली ये भी आपने ध्यान में रखना है कि आर सी सर्किट में जब हम वी टी कहते हैं या सिर्फ वी कहते हैं तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात हो रही है। तो दो चीज़ें मालूम करनी है हमने, वी जीरो यानी इनिशियल वोल्टेज, वी जीरो अक्रॉस दी कैपेसिटर, ये मालूम करने है, और दूसरा ये टॉ जो टाइम कांस्टेंट है इसको मालूम करना है। और टॉ आर सी के बराबर होता है, यानी टाइम कांस्टेंट जो है वो आर सी या आर इक्विवेलेंट सी। और ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो अभी आपने इसको ध्यान में रखना है कि आर इक्विवेलेंट या इसको आर थेवेनिन भी कहते हैं इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिजल्टेंट सर्किट एट टी ग्रेटर देन जीरो, यानी टी जीरो के बाद जो भी सर्किट है उससे हमने आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो चलिए हम इस सवाल को अब देखते हैं। द स्विच इन द सर्किट हैज़ बिन क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम जब लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी टाइम मिल गया कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए। अब ये सर्किट है, इसमें अगर आप स्विच को देखें तो ये बार है जो कि क्लोज या ओपन होता है, और ये एरो के डायरेक्शन ये जाहिर करता है कि ये इस तरफ खुलेगा। तो और जब टी जीरो लिखा होता है तो इसका मतलब है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे इस बार को यहाँ से उठा देना है, यानी खोल देना है इसको। इसका मतलब यह है कि टी जीरो से पहले ये बार इसके साथ कनेक्टेड है। तो आइए हम देखते हैं, तो ये बार कनेक्टेड है टी जीरो से पहले। तो अब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया होगा। यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है, वी टी फॉर टी इज इक्वल टू जीरो, और कैलकुलेट दी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। तो ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो अब जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया कि हमें पहले वी टी मालूम करना है, तो उसके लिए वी ज़ीरो पहले मालूम करना होगा। तो वी ज़ीरो, अब ये देखिए कैपेसिटर ये चार्ज हो गया, तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो गया कैपेसिटर, तो उसको हम यहाँ पर अब शो नहीं करेंगे। हाँ, हमें इस पे इंटरेस्ट है कि वी सी कितना हुआ, या वी सी टी या वी ज़ीरो टी, इसकी वैल्यू क्या है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज वही होगा जो यहाँ पे वोल्टेज है, क्योंकि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। और ये वोल्टेज हम बाई वोल्टेज डिवीजन रूल निकाल सकते हैं, यानी 20 वोल्ट 3 और 9 के दरमियान डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम वी सी टी इज 20 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस वन मल्टीप्लाइड बाई जिसके क्रॉस हम मालूम कर रहे हैं, तो ये 15 वोल्ट आ गया। और ये तो हमने वी सी निकाल लिया था 15 वोल्ट। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए कह रहा है कि सिंस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टी जीरो इज द सेम एज एट टी जीरो माइनस। अब ये टी जीरो और टी जीरो माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझे। ये टाइम डायग्राम है, हम इस पॉइंट को कह रहे हैं कि ये टी जीरो पे है, तो इस टी जीरो से ज़रा सा पहले जो है वो हम टी जीरो माइनस उस पॉइंट को कहेंगे।
अब अगर फर्ज करें कि कैपेसिटर चार्ज हो गया 15 वोल्ट पे है इस पॉइंट तक, यानी T0 तक अगर 15 वोल्ट है, तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी यह है कि फौरन वोल्टेज इसमें से चेंज नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि इससे ज़रा सा आगे T0 पे, जबकि आप स्विच आपने खोल दिया, तब भी यहाँ पे 15 वोल्ट ही मौजूद होगा। तो इसका मतलब है कि V0 और इज इक्वल टू कैपिटल V0 और ये 15 वोल्ट के बराबर है। अब हम आ जाते हैं टॉ के लिए। तो टॉ के लिए हमें सी तो पता है, लेकिन आर इक्विवेलेंट चाहिए। आइए हम फिर सर्किट की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे पहले कि टी ग्रेटर देन जीरो पे जो सर्किट है उससे आप टी आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये हमारा सर्किट है, अब हम इसको खोल देंगे। खोल देंगे तो ये इस तरह से हो गया, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये सर्किट हमारा बाकी बचा। तो ये अब इसको हम अलहदा कर लेते हैं। अब ये सर्किट है, अब यहाँ से हमने आर इक्विवेलेंट मालूम करना है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे, ये समझना ज़रूरी है। तो इसका ये होता है कि जिस कंपोनेंट के अक्रॉस आप मालूम करना चाह रहे हैं आर इक्विवेलेंट, अब यहाँ हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ इस साइड से देखेंगे। जैसे हम कैपेसिटर से देख रहे हैं तो आप देखेंगे ये दोनों हमें सीरीज में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आर इक्विवेलेंट जो है वो 9+1 है। सो आर इक्विवेलेंट इज 1+9 या 9+1 इज इक्वल टू 10 ओम। तो इस तरह से आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो अब आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया था, सी हमें पता है 20 mF। तो अब यहाँ से हम टॉ की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 10 ओम आ गया और 20 मिली आ गया, तो ये 0.2 सेकेंड इज टॉ। और ये हमें पता है वोल्टेज इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, वी सी हमें पता चल गया कि 15 वोल्ट है और टॉ पता चल गया 0.2। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आंसर आ गया। इसको चाहें तो आप अच्छा ठीक है इस फॉर्म में। अब अगला स्टेप जो है वो इनिशियल एनर्जी मालूम करना है। तो इनिशियल एनर्जी के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था हाफ सी वी स्क्वायर और सी वी जीरो स्क्वायर। अब वी जीरो हमने पता कर लिया था 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट का स्क्वायर और हाफ और सी है हमारा 20 mF। तो ये लिख के हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो एनर्जी 2.25 जूल्स। ये हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं, उसी तरह ही है तकरीबन। ये स्विच है, इसको आप T=0 पे खोल दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इससे पहले ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा। आइए हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे भी हमने VT मालूम करना है और एनर्जी मालूम करना है। तो T < 0 पे ये बंद है, ये स्विच बंद है इस तरह से। अब ये कैपेसिटर कुछ ये इस वोल्टेज सोर्स की वजह से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, लेकिन कितने वोल्ट पर चार्ज होगा? क्या 24 वोल्ट पर चार्ज होगा? नहीं, वो हमने अभी देखना है कि ये देखिए ये चार्ज हो के हमने इसको कह दिया जी ओपन हो गया, ठीक है ओपन भी हो गया, लेकिन कितने वोल्ट पे चार्ज हुआ? तो उसके लिए आप देखें कि ये वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा है इन दोनों से। अब ये दोनों पैरेलल में है एक्चुअली, तो इसको हम पैरेलल में ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैरेलल में 12 और 4 पैरेलल में सॉल्व किया तो 3 हो गया। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है, यानी VCT जो है वो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम के बराबर है। तो बाई वोल्टेज डिवीजन रूल हम इसको VCT निकालेंगे, यानी 24 ÷ 6+3 × 3। तो ये हमारा VCT आ गया 8 वोल्ट और यही V0 है, V0। तो अब हमने ये मालूम कर लिया कि VCT या V0 जो है वो 8 वोल्ट है। और अब हम आगे चलते हैं, हमने अब टॉ मालूम करना है। टॉ के लिए R इक्विवेलेंट चाहिए, सी तो हमें पता है। और जैसे मैंने बताया था कि R इक्विवेलेंट के लिए हम वो सर्किट इस्तेमाल करेंगे जो T > 0 पे हो जाए। तो वो सर्किट कौन सा है ये देखें आप, T > 0 का मतलब इसको आप खोल देंगे तो जो बाकी बचे गए सर्किट ये इसको हमने इस्तेमाल करना है टू फाइंड आर इक्विवेलेंट।
तो इसको हमने खोल दिया, अब ये सर्किट बच गया, यानी ये सर्किट बच गया, और अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट मालूम करना है। और जिस तरह पिछले सवाल में भी किया था हमने कि कहाँ से देखेंगे आप, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो जो कैपेसिटर है वहाँ से आप देखेंगे। तो ये देखिए, हम कैपेसिटर से अब देख रहे हैं, तो ये दोनों हमें पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। तो इसका 4 और 12 पैरेलल में 3 ओम, ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। तो अब आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया था 3, और हमें कैपेसिटर की वैल्यू पता है यहाँ से 1/6 फैरड। तो टॉ निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट टू सी, 3 × 1/6, तो 1/2 सेकेंड आ गया। अब हम वोल्टेज इक्वेशन लिख सकते हैं, V0 या VC0 या सिर्फ V0, एक ही बात है। तो ये हमने 8 वोल्ट निकाला था, तो 8 लिख लेंगे हम यहाँ पे। और e^-t/τ हमारा 1/2 है, तो ये उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, तो -2t। तो ये हो गया आपका वोल्टेज VT या VCT। अब इनिशियल एनर्जी 1/2 CV², सी हमें पता है 1/6 है, और वी हमने 8 निकाला था यहाँ से, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5.33 जूल्स। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे किस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।